हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स 7 मार्च को 12th केमिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 12th केमिस्ट्री के उन सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराऊंगा जो इस बार 7 मार्च को आपके केमिस्ट्री के पेपर में आएंगे। अब आप कहेंगे, सर आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहे हैं कि ये न्यूमेरिकल आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इस में मैं आपको जो केमिस्ट्री का चैप्टर 3 है जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी, इसके जो 3 सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है उनको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप इन 3 न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीख गए तो बाकी के जो न्यूमेरिकल्स इसमें है वो भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम 3 जो टॉप सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उन्हीं को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कई तरह के न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और आपको यह भी पता है कि सिर्फ 2-3 चैप्टर हैं जिनसे न्यूमेरिकल आते हैं, बाकी चैप्टर में न्यूमेरिकल नहीं है। जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर विलयन है, अब विलयन चैप्टर के न्यूमेरिकल मैंने अभी कल आपको बताया था, आप लोग जाके देख लीजिएगा, पूरा न्यूमेरिकल मैंने उसमें बताया है। चैप्टर 2 से भी कभी कभी न्यूमेरिकल आते हैं और चैप्टर 3 रासायनिक बलगतिकी तो न्यूमेरिकल्स के लिए ही जाना जाता है। तो आज हम इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखकर जाना ताकि अगर ये न्यूमेरिकल आए तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व करके आए। ठीक है, देखिए मैं स्टार्टिंग में थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करूंगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए लोग सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम लोग जो न्यूमेरिकल देखेंगे ये थोड़ा सा इजी है, क्यों? क्योंकि इसमें हमें अर्धायुकाल दिया रहेगा, सिर्फ वेग स्थिरांक निकालना होगा। इसके बाद जो न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे ये वाला न्यूमेरिकल आपका है, ठीक है, 90% भाग कितने समय में पूरा होगा, ये 3 नंबर 4 नंबर में आता है। ये न्यूमेरिकल तो 4 नंबर में ही आता है, सिद्ध करने को दे दिया जाता है। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम कुछ बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल थोड़ा सा बेसिक होगा, इजी होगा। ठीक है, देखो सबसे पहला न्यूमेरिकल है, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। मतलब आपको अर्धायुकाल दिया गया है, 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो आपको टी हाफ दिया गया है। इसको हम लोग बोलते हैं अर्ध आयुकाल, ये हमें दिया गया है 50 सेकंड। कितना? 50 सेकंड। ठीक है, अब देखिए दूसरी कंडीशन, पदार्थ की सांद्रता की आधी रह जाती है, इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, आपको K निकालना है। देखो इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आप इजीली निकाल लेंगे। K इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है 0.6932 अपान टी हाफ अपान टी हाफ। अगर आपको अर्धायुकाल दिया गया, आपको वेग स्थिरांक निकालना, तो बहुत इजीली आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए K इक्वल टू आपका कितना होगा, ऐसा मत सोचिएगा, देखिए इजी है, मैंने पहले ही बताया था 0.6932 अपान टी हाफ की वैल्यू है 50 सेकेंड, तो 50 यहां पर रख देंगे। अब एक काम और हम करेंगे, यहां पर देखो थोड़ा इसको ईजी करने के लिए हम ऊपर 10 से गुणा कर देंगे, नीचे भी 10 से गुणा कर देंगे। देखो ऊपर नीचे दोनों जगह करोगे तो एडजस्ट हो जाएगा, ऊपर करोगे तो ये दशमलव एक अंक इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 6.932। ठीक है, अपान नीचे 50 का 10 से गुणा होगा तो ये 500 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6.932 अपान 5×10^2 भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, सिंपल सा है। अब देखो क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान देना यहां पे, जब आप 6.932 को 5 से कट करोगे तो आपका अप्रॉक्स आएगा 1.38, ये इतना आ गया 1.38। नीचे क्या बचा भैया, 10^2 है, इसको ऊपर ले जाओ। देखो चलो अभी ऐसे लिख देते हैं, हम इसको ऊपर अभी नहीं ले जाएंगे, अब हम इसको ऊपर ले चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा K इक्वल टू 1.38 इंटू, ये 10^2 प्लस में है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा, 10^-2, और इसका मात्रक होगा सेकेंड इनवर्स, क्योंकि ये प्रथम कोट की अभिक्रिया है, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा बहुत इजी न्यूमेरिकल था। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें आपको फॉर्मूले पर रखकर अप्लाई कर देना था, लेकिन जो दूसरा न्यूमेरिकल होगा और तीसरा जो होगा इसको समझना होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको थोड़ा हाई लेवल्स के न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। दूसरा
इसको समझिए, पता है तो भी देखना बहुत ध्यान से। प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है, मतलब आपको अर्ध आयुकाल 60 मिनट दिया गया है। कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा, आपको समय पूछा जा रहा है कि कितने समय में। देखिए अर्ध आयुकाल का मतलब आधी अभिक्रिया होने में लगा समय 60 मिनट है, तो 90% अभिक्रिया कितने समय में पूरी होगी, तो इसको अब हम बहुत ही अच्छे से निकालेंगे। देखो हमें टी हाफ दिया गया है, यहाँ पे कितना दिया गया है टी हाफ, ये हमें दिया गया 60 मिनट। पहले तो हम यहां से वेग स्थिरांक निकाल लेंगे उसी फॉर्मूले से जैसा अभी हमने निकाला था। यहां से हम वेग स्थिरांक निकाल लेंगे, वेग स्थिरांक का फॉर्मूला होता है के इक्वल टू 0.6932 अपान टी हाफ। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये तो हमें पता ही है, हम इसको भी आपको बताए थे। पहले हम के निकाल लेंगे, अभी हम बताएंगे कितने समय में पूरा होगा। ध्यान से समझिए, के इक्वल टू 0.6932 आपका ऐसे ही रहेगा अपान टी हाफ की वैल्यू है 60 मिनट। ये लो हमने 60 लिख दिया, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आपका अप्रॉक्स आएगा। देखो डिवाइड कर लेना, डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्स आपका आएगा आंसर 0.01155। ये हमारा आ गया 0.01155 मिनट इनवर्स में आएगा, क्योंकि भैया मिनट में हमारा था, मिनट में जो टी हाफ मिनट में दिया गया था अर्धायुकाल, तो हमारा वेग स्थिरांक भी मिनट में आएगा। लेकिन अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अब आपसे कहा जा रहा है कि कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूरा होगा, तो मान लेते हैं पहले माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है सांद्रता, इसको हम लोग मानेंगे ए। देखो प्रारंभिक सांद्रता को ए मानेंगे। अब मान लीजिए प्रारंभिक सांद्रता जब रिएक्शन नहीं हो रहा था तो भैया 100% थी, तो इसको हम 100 लिख देंगे, यहां पे ए इक्वल टू 100 है। ठीक है, अब टी समय पश्चात जब अभिक्रिया हुई, तो टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, सांद्रता इसको हम लोग डिनोट करेंगे ए माइनस एक्स से। ठीक है, टी समय पश्चात। तो देखो आपसे कहा जा रहा है कि कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा, तो मान लीजिए 100% था, तो टी समय पश्चात 90% आपसे पूछा जा रहा है, तो आप 100 में से 90 को घटा देंगे, 100 में से 90 को घटा दो। अगर यहां पे पूछा जाए कितने समय में अभिक्रिया का 80% भाग पूर्ण होगा, तो आप 100 में से 80 घटा दो। ठीक है, जितना परसेंट हो, तो आपका यहां पे ए माइनस एक्स की जो वैल्यू आ गई वो 100 में से 90 जाएगा, तो 10 ही तो बचेगा, 10। अब हम समय निकालें कितने समय में पूरा होगा, तो देखो प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए एक फॉर्मूला होता है, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का एक फॉर्मूला बहुत ही फेमस है, के इक्वल टू, ये सबसे मेन फॉर्मूला है, 2.303 अपान टी, ठीक है, लॉग ए अपान, इसको ब्रेकेट में कर देंगे, ए अपान ए माइनस एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का। यहीं पे हमें टी निकालना है, देखो ये टी इधर ले जाएंगे भैया, टी हम इधर लेकर चले गए। ठीक है, तो यहां पे ये फॉर्मूला निकल कर आएगा 2.303 अपान के हो जाएगा टी के, देखो टी इधर गया तो के इसके जगह पर आ जाएगा, लॉग हो गया। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 100 प्रारंभिक सांद्रता, टी समय पश्चात 90% पूरा होने में 100 में से 90 घटाया 10 बचा, तो ए के जगह पर 100 लिख देंगे और ए माइनस एक्स के जगह पर 10 लिख देंगे, हमने कर दिया, ये कट कर दो, 10 जा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं, देखो टी इक्वल टू 2.303 अपान के की वैल्यू ये देखो हमने निकाला था ऊपर 0.01155, इसको यहां पे रख देंगे 0.01155। ठीक है, ये आपका लॉग, ठीक है लॉग 10 हो जाएगा। देखो भैया जब 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 ही तो आएगा। ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं, ये तो सिंपल सा है। ठीक, तो 10 आ गया। अब एक चीज और याद रखिए, चूंकि यहां पे लिख दीजिएगा ब्रेकेट में, चूंकि लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, कितने लॉग
10 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो 1 होती है। तो log 10 के जगह पर हम लोग 1 रख देंगे तो फाइनली हमारा इतना ही आएगा। देखो थोड़ा हम इसको ऊपर करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारा आ जाएगा t इक्वल टू, देखो 2.303 अपान 0.01155। ये log 10 के जगह पर 1 होगा, उसको मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं क्योंकि लिखा है log 10 इक्वल टू 1, ठीक है। इसको जब आप कट करोगे तो अप्रोक्स जो आपका आएगा वो 199.39 आएगा, या लगभग 200 मिनट आएगा। तो ये हमारा t हो जाएगा कितना, 199.39 मिनट, और जो 90% ऑफ क्रिया पूर्ण होने में लगा समय होगा वो यही होगा, ठीक है, वो यही होगा 199.39। तो 90% आप कैसे करोगे, प्रारंभिक सांद्रता को 100 मानो, 90% दिया गया तो 100 में से 90 घटाओ, a माइनस x आ जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है अगर, तो 199.39 मिनट में अभिक्रिया का 90% भाग पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी कुछ खास नहीं था, हमने क्या किया, पहले टी हाफ दिया गया था उसको लिखा, यहां से मैंने के और टी हाफ का फॉर्मूला लगाकर मैंने के को निकाल लिया, वो 0.01155 मिनट इनवर्स आया, ठीक है। फिर हमने माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ए है, ए इक्वल टू 100 है, क्योंकि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता जब रिएक्शन नहीं हो रहा था तो उसकी सांद्रता 100% थी, तो ए को हमने 100 माना। टी समय के बाद जब अभिक्रिया 90% पूरी हुई तो 100 में से 90 घटा दो, ए माइनस एक्स आ जाएगा, ये टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता होगी, ठीक है, समझ में आया। फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमने फॉर्मूला लगाया k इक्वल टू 2.303 अपान t log a अपान a माइनस x, ठीक है। फिर मैंने वैल्यू को रख दिया, log 10 आया, log 10 की वैल्यू 1 होती है, हमने इन दोनों को डिवाइड किया और फाइनली जो हमारा आंसर आया वो आया 199.39 मिनट, बस हो गया, ठीक है। ये भी न्यूमेरिकल हमारा हो चुका है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। ये वाला न्यूमेरिकल थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि इसमें दो-दो प्रोसेस है, क्या दो-दो प्रोसेस है, देखो क्या है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण होने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का दोगुना होता है। मतलब आपको बताना है कि सिद्ध करो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 यानी कि 3/4 पूर्ण होने में लगा समय, 3/4 का मतलब जैसे कितना, 3/4 का मतलब होता है 75%, ठीक है, 75% पूरा होने में, ठीक, या आप लोग कह सकते हैं 75% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का दोगुना होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले 3/4 के लिए आपको निकालना है वेग स्थिरांक, ठीक है, फिर उसके बाद में अर्ध क्रिया यानी कि आधा पूरा होने के लिए आपको वेग स्थिरांक निकालना, फिर दोनों को डिवाइड कर देना, आपका आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, हमें फॉर्मूला पता ही है k इक्वल टू 2.303 वाला, तो पहले हम लोग एक चीज किएंगे, देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 3/4 का मतलब 75% अभिक्रिया पूर्ण हो करने में लगा समय, ठीक है, जैसे 3/4 दे दिया गया है, ठीक है, या 1/2 दे दिया जाए तो आधा, ठीक, तो 3/4 दिया गया यानी कि 75%, ठीक है। तो यहां पे जब हम a माइनस x निकालेंगे तो 100 में से 75 को घटाएंगे, तो देखो यहां पे अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, माना यहां पे माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, माना अभिकारक की, देखिए पहले हम 3/4 के लिए निकाल रहे हैं प्रारंभिक, आपको इसको दो स्टेप में करना है, ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता ए जो है वो कितना है, ए जो है वो 100% ही रहेगा भाई, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये आपका 100 है, ठीक है। अब टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता, ठीक है, इसको a माइनस एक्स से डिनोट करेंगे, ये कितना होगा, देखो भैया पहले हम 3/4 के लिए निकाल रहे हैं तो 3/4 का मतलब 75%, तो यहां पे 100 में से 75 घटा देंगे, ठीक है, कितना घटाएंगे, या 100 में से 75 हम लोग घटा देंगे, ठीक, तो हमारा a माइनस एक्स निकल कर आ जाएगा। अभी हम 3/4 के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, फिर हम अभी यहां पे 50% के लिए निकालेंगे, ठीक है, अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का दोगुना होता है, तो ये आपका आ जाएगा 25, ठीक। अब हम सबसे पहले इसके लिए वेग स्थिरांक निकाल लेंगे उस रिएक्शन से जो मैंने बताया था, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम
कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, के लिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, देखो ध्यान देना थोड़ा सा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला होगा K इक्वल टू, वही फॉर्मूला सेम टू सेम, 2.303 अपान टी हाफ, ठीक है, अपान टी हाफ इंटू ए अपान ए माइनस एक्स इंटू लॉग लिखेंगे पहले, लॉग ए अपान ए माइनस एक्स, ठीक है, ये हमने लिख दिया, ठीक, ये फॉर्मूला होता है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इसके लिए हम निकालते हैं, तो k इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो 2.303, ठीक है, या एक काम कीजिए, देखो आप लोग यहां पे t हाफ नहीं लिखेंगे, आप किसके लिए निकाल रहे हैं इसको ध्यान दो, आप लोग निकाल रहे हैं तीन चौथाई के लिए पहले, ठीक है, तो यहां पर 3/4 कर देना, ठीक है, कितना 3/4 कर देना यहाँ पे, तो 2.303 अपान टी 3/4, क्योंकि आप तीन चौथाई के लिए निकाल रहे हैं तो टी 3/4 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे 1/2 नहीं लिखेंगे, टी हाफ हम नहीं लिखेंगे, ठीक, टी 1/3 लिखेंगे इंटू लॉग, ठीक है, ए के जगह पर क्या रखेंगे, तीन चौथाई के लिए आपका ए के जगह पर 100, ए माइनस एक्स के जगह पर 25, तो यहाँ पे 100/25 कर देंगे, ठीक है, इसको कट करोगे तो 25 बन जाए 25 4 जा 100। अब एक काम और करना, इस T3/4 को इधर ले जाना, ठीक है, तो ये हो जाएगा T3/4, यानी कि तीन चौथाई पूर्ण होने में जो लगा समय है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2.303 अपान के हो जाएगा इंटू ये log 4 आ जाएगा, log 4, ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1, क्योंकि आपको सिद्ध करना है, ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। तो अभी खिसक, अभी काम हुआ नहीं है, क्योंकि देखिए तीन चौथाई आपको सिद्ध करना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को तीन चौथाई पूर्ण करने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है, तो तीन चौथाई के लिए तो हमने निकाल लिया भैया इक्वेशन से, अब आधी अभिक्रिया पूरा होने में, आधी अभिक्रिया के लिए आपको निकालना है, मतलब यहां पे अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 100 लिखना और टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता जो है 100-50 होगा, क्योंकि अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है, तो अर्ध क्रिया के लिए अब हम निकाल लेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको समीकरण नंबर 1 माना है। तो अब हम लोग 1/2 यानी कि अर्ध क्रिया का मतलब अर्धायु काल के लिए निकालेंगे, ठीक है, तो यहां पर भी स्टेप टू हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पे पहले आप माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, वही काम यहां पे भी करेंगे, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है, सांद्रता कितना था, ए था, ठीक है, तो ए इक्वल टू आपका कितना होगा, ये ध्यान दीजिएगा, यहां पे ए इक्वल टू आपका हो जाएगा 100, ए तो 100 रहेगा ही, क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता जो होती है वो 100 ही होती है, जब रिएक्शन आपका स्टार्ट नहीं होता है तब जो सांद्रता होती है वो आपकी 100 ही होती है, ठीक है, मतलब इसी प्रकार से आपको ये भी करना है जैसे आपने वहां पे किया, ठीक है। अब टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता लिखेंगे, टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता, इसको हम लोग लिखेंगे a माइनस एक्स से, ठीक है, ये हमें कितना दिया गया भैया, देखो अर्ध क्रिया बताया जा रहा है तो आधी होगी, यानी कि 100-50 हो जाएगा, ठीक है, तो ये तो हमारा 50 आएगा ही आएगा, तो a माइनस एक्स इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 50, इसके जगह पर 50 लिखेंगे, ठीक है, बाकी का प्रोसेस हम लोग नेक्स्ट पेज में करेंगे वैसे, ठीक है, नेक्स्ट पेज में कर देते हैं, इतना तो समझ में आ गया। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए यहां पे भी लगाएंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है, लिए फॉर्मूला वही रहेगा, बस आपको इसके जगह पर 50 रख देना है, ठीक है, तो यहां पे आपका होगा k इक्वल टू 2.303 अपान टी हाफ, यहां पे टी हाफ रहेगा क्योंकि अर्ध क्रिया पूर्ण होने में बताया जा रहा है, तो अर्ध का मतलब हाफ, तो टी हाफ रहेगा, वहां पे तीन चौथाई था, तीन चौथाई के लिए हम निकाल लेते तो टी के जगह पर टी 3/4 हमने लिखा था, ठीक है, इंटू लॉग ए अपान
ए माइनस एक्स यहां पे भी होगा वही फॉर्मूला, ठीक है। इसको हाईलाइट करके रखिए क्योंकि ये फॉर्मूला हमारे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहां से के निकाल लेंगे, देखो के इक्वल टू सॉरी इस टी हाफ को इधर ले चलते हैं, ठीक है, या चलो अभी बाद में कर देंगे, 2.303 अपान टी हाफ इंटू लॉग, ठीक है। ए के जगह पर कितना रखेंगे, 100 रखेंगे, ए माइनस एक्स के जगह पर देखो 50 रखेंगे क्योंकि 50 हमने किया था, ठीक है, तो ये 50 हो गया, ये कट करेंगे तो 52 जा 100 हो जाएगा, तो ये हमारा आएगा, देखो इस टी हाफ को मैं इधर ले चलता हूं तो हमारा हो गया टी हाफ, ठीक है, टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपान के इधर आ जाएगा इंटू ये लॉग 2 आ जाएगा, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब करना क्या है, देखो ये जो हमारा t 3/4 था और जो ये हमारा t 1/2 है, इसको डिवाइड कर दो, इन दोनों को भाग दे दो, तो लिखो समीकरण एक व समीकरण दो, समीकरण एक को ये समीकरण एक को समीकरण दो से भाग देने पर, तो यहां पे हम लिखेंगे, ठीक है, लिखो समीकरण एक को समीकरण दो से भाग देने पर, ठीक है, तो हम भाग दे देंगे, देखो यहां पे है t 3/4 इक्वल टू 2.303 अपान के लॉग 4, ठीक है, तो इसको लिखेंगे t 3/4 इक्वल टू 2.303 अपान के यहां पे के कर दीजिएगा, के इंटू लॉग 4, ठीक है, लॉग 4 हो गया, ठीक है, और अपान दोनों को भाग देंगे, इसको भी भाग देंगे, t 3/4 को टी हाफ से भाग देंगे हम लोग, ठीक है, तो यहां पे टी हाफ की वैल्यू कितनी है ये हमने अभी निकाली है, ठीक है, इसको लिख देंगे 2.303 अपान के इंटू लॉग 2। अब ये दोनों तो भैया कैंसिल हो जाएंगे, 2.303 अपान के 2.303 अपान के, ठीक है, तो हमारा फाइनली ये जो आएगा ये आएगा t 3/4 अपान टी हाफ इक्वल टू log 4 अपॉन log 2, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसको एक काम करो, यहीं पे हमारा प्रूफ होगा, अभी देखना t 3/4 अपान टी हाफ इक्वल टू हमारा होगा log 4 है हमारा भैया, तो log 4 को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से भी, 2 log 2 भी लिखते हैं, log 4 को 2 log 2 भी लिखते हैं, नीचे ऑलरेडी हमारा log 2 है, log 2 से log 2 कैंसिल आया, कितना सोचो कितना आया, वही सेम प्रोसेस t 3/4 अपान टी हाफ इक्वल टू हमारा 2 आया, कितना आया 2 आया, तो अगर यहां से हम निकालें t 3/4 को निकालें, देखो ध्यान देना t 3/4 यानी कि 3/4 पूर्ण होने में लगा समय जो है वो कितना होगा 2 इंटू, देखो इधर भाग में है टी हाफ, इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा 2 इंटू टी हाफ, तो प्रूफ तो हो गया, यही हमें प्रूफ करना था कि सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन आपका था सिद्ध कीजिए, देखिए क्वेश्चन हमारा क्या था देख लेते हैं, प्रथम कोट की अवक्रिया जो है सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अवक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का दोगुना होता है, तो देखिए 3/4 पूर्ण होने में जो लगा समय है ये अर्ध क्रिया में पूर्ण होने में लगा समय जो टी हाफ है इसका दो गुना है क्योंकि 2 × t हाफ है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, मैं एक लाइन और यहां पे लिखना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि लिखना है काफी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन की पॉइंट है, देखो लिख देंगे अभिक्रिया का 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय इक्वल टू 2 × अर्ध आयु, ठीक है,
यही तो हमें सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया 2 into अर्ध आयु। ठीक, यही प्रूव करना था कि अभिक्रिया का 3/4 भाग पूर्ण होने में जो लगा समय है वो अर्ध आयु काल का 2 गुना होता है, तो 2 into अर्ध आयु लिखा है। ठीक है, वही हमने यहां पे भी प्रूव किया कि किसी अभिक्रिया का सिद्ध कीजिए कि आपका क्वेश्चन था कि प्रथम कोट की अभिक्रिया को 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय जो है वो अर्ध क्रिया का 2 गुना होता है, तो देखो यहां पर अर्ध क्रिया का 2 गुना है। ठीक है, तो ये आपके तीसरा न्यूमेरिकल था, इसमें भी कुछ खास नहीं था, जो भी था हमने आपको बता दिया। और ये न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट था, हमें करना क्या था, हमें प्रूव करना था कि 3/4 पूर्ण होने में लगा समय जो है अर्ध क्रिया का 2 गुना होता है। तो हमने पहले 3/4 भाग पूर्ण होने के लिए लगा समय निकाल लिया, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ए माना, टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता जो है ए माइनस एक्स जो होगी वो 100 - 75 होगी, क्योंकि 3/4 था। ठीक है, तो 100 का जो 75 है ये 3/4 ही है, तो ए माइनस एक्स हमारा 25 आया, फिर मैंने रख दिया इसको, तो हमारा T3/4 आया, मतलब 3/4 पूर्ण होने में जो लगा समय आया वो 2.303/k log 4 आया। ठीक है, दूसरे स्टेप में हमने अर्ध क्रिया के लिए निकाला, तो माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता A है, T समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता तो आधी कही गई, तो 100 - 50 हो जाएगा, तो A माइनस X 50 आया, इसको निकाला तो हमारा T हाफ आया 2.303/k log 2। ये दूसरा समीकरण है, मैंने समीकरण एक को समीकरण दो से भाग दिया, इसको भाग दिया 2.303/k से, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या T3/4 T half इक्वल टू log 4/log 2। फिर हमने T3/4 T half इक्वल टू 2 log 2, हम लिख सकते हैं log 4 को, log 2 हो जाएगा, कैंसिल log 2 से log 2, T3/4 T half इक्वल टू 2 आ जाएगा, और T3/4 इक्वल टू 2 into T half आ जाएगा, और ये हमारा प्रूफ हो चुका है। अब आप लोग कहेंगे सर इस चैप्टर में तो और भी न्यूमेरिकल्स हैं, उसको आपने क्यों नहीं बताया, देखो उसको मैं आपको ऑलरेडी अलग से बता चुका हूं। अगर आप लोग YouTube पे सर्च करोगे क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल शुभम लेक्चर तो आ जाएगा क्लास, या फिर आप सर्च करो रासायनिक बलगत की चैप्टर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल शुभम लेक्चर तो भी आपको क्लास मिल जाएगा, नो टेंशन। ठीक है, तो स्टूडेंट आज का ये क्लास कैसा लगा देखेंगे, कब मिलेंगे क्योंकि अब आपका एग्जाम फिनिश होने वाला है, तो चलिए फिर मिलेंगे कभी, तब तक के लिए जय हिंद।